गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सुबह सुबह आज आपने सुना होगा मोदी जी आए थे और उन्होंने एक वीडियो के जरिए हमें कुछ बातें बताई है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, मतलब हम लोग उससे बोल सकते हैं कि प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए जो प्लैनेट ना खुश है उनको खुश कैसे करना है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। अगर आप देखोगे तो फिर उन्होंने बोला है आज, मतलब सारी टोटल्स अगर मैं करूँ एज अ न्यूमरोलॉजी, नंबर्स की टोटल्स अगर हम लोग करेंगे तो 5 और 4, मतलब आज 5th अप्रैल है तो टोटल आती है 9। फिर उन्होंने बोल दिया कि 9 PM को, 9th मतलब 9 PM को हमें संडे के दिन कैंडल, टॉर्च या फिर दिए लगाने। तो इससे क्या होगा पता है, सिंबल ऑफ अग्नि, फायर, संडे के दिन उन्होंने बोला है। संडे मीन्स सिंबल ऑफ फायर, इसे अग्नि योग कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि मंगल प्लैनेट जो है उन्हें खुश करने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा कि प्लैनेट की एनर्जी बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं, सबसे लकी नंबर्स होते हैं 3, 6 एंड 9 फॉर इंडिया। इंडिया की अगर आप टोटल करोगे सारी तो 3, 6, 9 इंडिया के लिए लकी नंबर्स है। 21 दिन का लॉकडाउन, मतलब आ गई 3 टोटल। 21 तारीख को डिक्लेयर किया था 22 को कर्फ्यू लगेगा, फिर 24 तारीख को बोला गया कि अगले 21 डेज कर लॉकडाउन रहेगा। तो अगेन आपने देखा होगा 3 भी आया, 6 भी आया और 9 भी आया। तो इसमें क्या हो गया, टोटली सारे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। डॉक्टर्स के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, सारे लोग हमें हेल्प कर रहे हैं उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। उसके साथ हमेशा मैं आपको बोलते रहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अगर एड ऑन हो जाए तो डेफिनेटली कितना वर्क हो सकता है ये हम लोग देख ही रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है रिलेटेड टू एवरीवन, क्योंकि हम लोग उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हम लोग घर में ही हैं तो ऐसे ही हम लोग घर में रहेंगे और संडे 9 बजे डेफिनेटली 9 PM हम लोग एटलीस्ट 9 दिए, 3 दिए या 6 दिए, एटलीस्ट मैं भी लगाऊंगी, आप लोग भी लगाइए तो प्लैनेट खुश हो जाएंगे और ये सारी पीड़ा जो चल रही है ये कम होते होते आपको दिखेगी। काफ़ी सारे लोगों का एक ही सवाल है, शीतल ख़त्म कब होगा? यस गाइस, बहुत जल्दी ख़त्म होगा, एंड ऑफ द अप्रैल, मिड ऑफ द मई आपको ख़त्म होते हुए दिखेगा। जल्दी इसके ऊपर दवाई भी आएगी और ख़त्म होते हुए हम लोग जल्द से जल्द इसे देखेंगे। चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कैसे रहा, मतलब आज का मार्केट कैसे रहा। आज का मार्केट देखेंगे तो यस, बुरी तरीके से पिटाई हो रही है बिकॉज काफ़ी सारे न्यूज़ है। आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल की डिमांड, उन्होंने प्रोडक्शन की डिमांड जो है, मतलब ऑलमोस्ट लैक ऑफ बैरल से उन्होंने प्रोडक्शन घटा दिया है, तो उसके वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते हुए हमने देखी। कल एक न्यूज़ आई थी मार्केट में कि यूएस में गोल्ड बेचा जा सकता है, उस डर से गोल्ड का भाव हो सकता है नीचे आएगा। तो ये सारी जो रूमर्स मार्केट में फैल रही है उसका भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। फिर हमने देखा था कि आज मैं आपसे स्पेशल बात करूंगी प्रमोटर्स के बारे में कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को कल परसों मैसेज गया एक कि प्रमोटर्स ने इतने सारे शेयर्स बाइंग किए हैं, तो एग्जैक्टली प्रमोटर्स होते क्या, ये तो मैं क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ाती हूँ, बट चलिए मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि प्रमोटर्स होते क्या। प्रमोटर्स का मीनिंग होता है कि कंपनी है, अगर वो एक कंपनी है तो उनके पास उनके शेयर्स कितने हैं, और यहाँ पे 51% कंपनी को शेयर होल्डर होना होता है और 49% वो हमें मार्केट में बेचने खरीदने के लिए मिल जाते हैं। तो मतलब 51% अगर कंपनी के पास स्टेक है तो कंपनी हो गई ओनर, और 49% मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है जो हम लोग खरीदते हैं और कंपनी के छोटे से पार्टनर बनते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारी न्यूज़ हमने पढ़ी है कि टाटा स्टील, टाटा केमिकल, अशोक बिल्डकॉन, हीरो मोटोकॉर्प, उसके बाद में अगर आपने देखा होगा तो JSW स्टील, इन सारी कंपनीज में स्टेक खरीदे, मतलब प्रमोटर्स ने खुद शेयर्स बाय किए। अब मुझे यहाँ पे बताइए, प्रमोटर्स अगर खुद शेयर्स बाय कर रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इतना सस्ता रेट जो है
वो खुद कंपनी को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 1500 रुपए में अगर हीरो मोटोकॉर्प मुझे मिल रहा है तो मेरी कंपनी आगे जाके कितना अच्छा काम करने वाली है, तो क्यों ना मैं खुद खरीदूं। तो ये गुड साइन है। कल ही एक न्यूज मैंने कही तो पढ़ी कि बैड न्यूज जो भी आती है वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई बैड न्यूज आती है और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए डेफिनेटली, यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स खरीद रहे हैं शेयर्स, मतलब अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अभी आपका काम बनता है, मैंने काफी सारी कंपनीज के नाम बताए बट आपको एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी। nseindia.com पे आप जाओगे तो मिल जाएगी, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आपको मिल जाएगी कि कौन से प्रमोटर्स ने, कौन सी कंपनी के प्रमोटर्स ने ज्यादा शेयर, ज्यादा स्टेक बाय करना शुरू कर दिया है। अगर कंपनी खुद स्टेक बाय कर रही है तो इसका मीनिंग हो गया कि कंपनी को फ्यूचर के बारे में पता है कि हमारा शेयर आज कम है तो फ्यूचर में हमारा काम बंद नहीं होने वाला है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने ही वाला है। तो ऐसे टाइम पे ही प्रमोटर्स शेयर्स खरीदते हैं। इतनी बहुत बड़ी टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा वर्कआउट आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, ऐसे स्टडी करना पड़ता है तभी जाके आपके साथ शेयर करना पड़ता है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा हमने देखा कि गैस की कीमतों में भी 26% की राहत मिली है, तो कुछ ऑयल कंपनीज और कुछ गैस कंपनीज के लिए ठीक था और कुछ केमिकल कंपनीज के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा था। काफ़ी सारे हमने देखे कि जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर्स के नाम लिए, जैसे ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए। अब मुझे बताइए लास्ट 10 डेज 15 डेज से अगर बंद है और काफ़ी दिनों से हम लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आंकड़े तो डेफिनेटली कम आने ही वाले हैं, मतलब आने वाले और एक दो महीने में हम लोग ये आंकड़े कम देखने ही वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि ये गुड टाइम टू इन्वेस्ट, तो यहाँ पे मारुति ने अपने आंकड़े डिक्लेयर किए मार्च एंड में, जो ऑटो के आंकड़े आए उसमें मारुति 47% डाउन आंकड़े आए, मतलब 83,792 यूनिट्स डाउन हुआ। अशोक लेलैंड 90% से उनका जो सेलिंग का आंकड़ा था वो खराब आया है, मतलब 2179 यूनिट्स। फिर आयशे मोटर 82.7% मतलब 1499 यूनिट्स। M&M की जो ट्रैक्टर्स का सेलिंग का आंकड़ा आया है वो भी थोड़ा सा बुरा आया, 31% से डाउन आया। अब यहाँ पे अगेन वही हो गया कि सारी पूरी इंडिया अगर लॉकडाउन है तो नया तो कोई परचेस अभी फिलहाल होगा नहीं, और 21 डेज मतलब यहाँ से और 13-14 डेज अभी फिलहाल के लिए तो नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे मिलते हैं ब्रांडेड कंपनीज के, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला है प्रमोटर्स के साथ लीजिए, प्रमोटर्स की लिस्ट निकालिए, कौन कौन सी कंपनी प्रमोटर्स और शेयर्स खरीद रहे हैं वो निकालिए, उसका स्टडी करिए, 52 वीक हाई लो निकाल लीजिए, 5 इयर्स 10 इयर्स हाई लो निकाल लीजिए, उसके बाद में आपको उसमें परचेसिंग करनी है। काफ़ी सारी डिटेल्स आती है, जैसे स्टॉक मार्केट के क्लासेस जब मैं लेती हूँ तो ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ उसमें। तो चलिए ये वाला आज आपका क्वेश्चन था, आप मुझे सारे क्वेश्चंस भेज दीजिए। जब संडे मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊंगी तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स डेफिनेटली मैं वहां पे भी देने की कोशिश करूंगी। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो वर्कआउट करता है या नहीं करता है, इवन स्टॉक मार्केट में भी हम लोग देख चुके हैं कि आपके बर्थडे के हिसाब से मैंने जो जो आपको स्टॉक प्रेडिक्ट किया है वो डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। बर्थडे के हिसाब से भी स्टॉक कोड आते हैं, आप लोगों को पता है नंबर्स का खेल है गाइस सारा, बाकी कुछ नहीं है। तो नंबर्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, सिग्नेचर नाम का स्पेलिंग भी नंबर्स पे आता है, स्टॉक का नाम भी नंबर पे आता है, स्टॉक कोड भी नंबर पे आता है, तो एवरीथिंग इज नंबर। जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि मोदी जी ने भी नंबर्स का खेल देखा है और उन्होंने भी नंबर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। आज की प्रॉफिट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए आप देखोगे। अगर इतनी सारी न्यूज़ मेरे पास आती है तो आपको पता है मैं काम भी उसी तरीके से करती होंगी। यहाँ पे देख सकते हो आप 45,475 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मैंने HDFC सेल किया हुआ है। फिलहाल मैं काम कर रही हूँ HDFC बैंक और HDFC बड़ा वाला। 15,000
₹800 का प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो आप HDFC बैंक में। तो ये थे आज के प्रॉफिट। काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये वाले हफ्ते का। मैंने परसों ही आपके साथ और एक नया टारगेट दिया था 8200 और 8000 का, और दैट इज़ ऑल्सो डन। यस, अगले हफ्ते तीन ही दिन मार्केट है, मतलब 6 तारीख को छुट्टी है और 10 तारीख को छुट्टी है, तो 3 दिन अगर स्टॉक मार्केट है तो उसमें कितनी ज़्यादा मूवमेंट रहेगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एज अ न्यूमरोलॉजी, एज अ एस्ट्रोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ रोज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप घर में रहो और सारी चीज़ें पढ़ो, आपका भी नॉलेज बढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉग पे आप जाके देख सकते हो shetallbakhrey.co.in, शीतल का स्पेलिंग SHETALL बाखरे BAKHREY, शीतल बाखरे। अगर आप .co.in पे जाओगे तो ब्लॉग पे सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। टिल देन गाइस, क्वारंटाइन एंजॉय करिए, घर में रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, डेफिनेटली हाथ पे 24 लिखना मत भूलिए।